आज ट्यूसडे है तो आज मेरे पीजी में इडली और सांभर मिलता है जो कि अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। द स्टोरी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी बुक है और ये बुक है हेलेन किलर की। अभी मैं लाइब्रेरी में आया हूँ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। कल रात में बहुत लेट तक सोने से आज सुबह बहुत लेट से उठा, तो फटाक से जल्दी जल्दी जाके नहाते हैं, उसके बाद आज ब्रेकफास्ट में देखते हैं क्या है। तो आज ब्रेकफास्ट में इडली है और सांभर है, बहुत अच्छा डिश है, साउथ इंडियन डिश है और मुझे बहुत अच्छा लगता है स्पेशली। आज का मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा, बहुत ठंडा। अभी टेम्परेचर मतलब करंट में 18 डिग्री सेल्सियस है और इतना टेम्परेचर बहुत होता है यार ठंडी लगने के लिए, और आपका विंटर वियर निकल जाएगा बैग से। सो गया था और अभी सो के उठा हूँ, लेट हो गया एक्चुअली, उठना था 2 बजे, लाइब्रेरी जाना था, लेकिन अब नींद लग गई तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, अभी लाइब्रेरी चलते हैं, वहाँ पे ना बहुत सारी बुक है, ठीक है, और आई एम श्योर कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और जो लोग भी हैं मतलब जो यहाँ पे आए हुए हैं पढ़ने के लिए, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी जगह है क्योंकि वहाँ पे बुक फ्री में मिलती है। आप सिर्फ घर ला के नहीं पढ़ सकते हो, बाकी वहाँ पे बैठ के आप आराम से पढ़ सकते हो, नो इशू, बैठने के लिए सीटिंग अरेंजमेंट। तो अभी हम चलते हैं और वही देखेंगे। तो अभी मैं लाइब्रेरी के गेट पे एकदम खड़ा हूँ सामने, और ये लाइब्रेरी मेरे पीजी से 300 मीटर दूर पे है और मेरा पीजी बीटीएम लेआउट सेकंड स्टेज में है, तो वहाँ से ये थोड़ा नज़दीक पड़ता है। सकते लाइब्रेरी में अंदर जाने के लिए आपको एंट्री बुक पे एंट्री करना पड़ता है, जैसे मेरा नाम, मैं किस जगह पे रहता हूँ, तारीख क्या था और अपना सिग्नेचर। अंदर जैसे जाते तो एक किस चेयर है, ये एक्चुअली 2 फ्लोर का है, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, और इतना ब्यूटीफुल है कि आपको यहाँ से आने का मन नहीं करेगा जब आप यहाँ पे आओगे। तो बहुत अलग अलग पार्टीशन देके बांटा गया है, मतलब न्यूज़पेपर जिसको पढ़ना उसको अलग, जिसको नोबल्स एंड बुक्स पढ़ना उसको अलग, जिसको स्कूल एंड कॉलेज से रिलेटेड बुक्स पढ़ना उसके लिए अलग है, और यही है। बाकी बहुत अच्छा इंटीरियर डिजाइन है। ये लाइब्रेरी का सेकंड फ्लोर है और यहाँ से मैं ऐसे अंदर जा रहा हूँ, अंदर जाते ही एक सिक्योरिटी पॉइंट है, वहाँ पे बस आपको देखते हैं कि आप अंदर जब पढ़ के निकल रहे हो तो आप किताब लेके तो घर नहीं जा रहे हो, और यहाँ पे लाइन से अलग अलग रेक बना के, कबर्ड बना के किताब रखी गई है। मुझे बस ऐसे ही कोई भी बुक पढ़ना था, जो कि मैं मेरा एक लिस्ट है जिसमें मैं 10-12 किताब का नाम ऐसे लिख के रखा हूँ, उसमें से देखने आया था कि अगर कोई बुक मिलेगा तो पढ़ूँगा। तो फाइनली मुझे एक बुक मिलता है और वो मैं बुक यहाँ पे पढ़ूँगा अभी जाके। पहला बुक है जो मैं आज पढ़ूँगा, ये है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, जो कि हेलेन किलर का है। बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। ये एक्चुअली जो ऑथर है, जो नरेटर है, उसके लाइफस्टाइल पे है, उसके लाइफ पे है, तो उसी का पूरा यहाँ पे चैप्टर वाइज अलग अलग करके बांटा गया है। मैं ये कंप्लीट नहीं कर पाया क्योंकि 300 पेज का बुक है और मैं सिर्फ यहाँ पे 45 मिनट रुका था, तो ऑलमोस्ट मैं 120 और ऐसे कुछ पढ़ा होगा। बाकी मैं ऐसे छोटा सा मार्क करके आ गया हूँ, अब इसके बाद जब भी जाऊँगा तो पढ़ूँगा, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बुक सबके लिए है, तो आप स्पेशल ऐसा नहीं करेंगे। मैं पेंसिल से किया था तो बाद में जाके मैं रबर से उसको इरेज कर दूंगा। लाइब्रेरी में वन टाइम में ऑलमोस्ट 300-400 स्टूडेंट एक साथ पढ़ सकते हैं, और इतना पिन ड्रॉप साइलेंट था ना, और हमेशा रहता है कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत अमेजिंग, बहुत अमेजिंग जगह है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड टेक केयर।